Okay. Good morning, students. Yesterday we have started with story problems and we have finished till 4. Right? Now we will see what is next. Mr. Zarir collected fruits from his orchard to send the wholesale market in Mumbai. Read the data given below. Solve in your notebook to find the answer to each question. Okay? यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें डेटा दिया है. आपको बस उस डेटा देखना है, वो डेटा को, और आपको इस क्वेश्चंस के आंसर बस आपके आप इसके सामने भी लिख सकते हो. हाउ मेनी एप्पल्स एंड पाइन एप्पल्स डिड ही कलेक्ट इन ऑल. आपको क्या करना है, एप्पल्स और पाइन एप्पल्स उन दोनों का आपको एडिशन करना है. क्या करना है, एडिशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एप्पल कितने लिए है, 2324, और पाइन एप्पल 1486. तो आपको उन दोनों नंबर्स का एडिशन करना है और उसका आंसर इसके सामने लिखना है. अगर आप चाहिए तो नोटबुक में भी कर सकते हो. हाउ मेनी मैंगोज एंड पियर्स डिड ही कलेक्ट इन ऑल. अभी इसमें आपको क्या देखना है, मैंगोज और पियर्स. अभी यहाँ पे कहा है, देखो ये है मैंगो और ये है पियर. इन दोनों को आपको टोटल करना है और उसका आंसर इसके सामने लिखना है. हाउ मैनी पीचेस एंड पाइन एप्पल्स वर सेंट टू द मार्केट. पीचेस और पाइन एप्पल मीन्स अभी आपको पीचेस, पीच ये है पीच, पीचेस और पाइन एप्पल, पाइन एप्पल इन दोनों को मिला के टोटल जितने हुए उसका आंसर इसके सामने लिखना है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ पीचेस पियर्स एंड एप्पल्स. अभी आपको कौन से टोटल करना है, पीच एप्पल एंड पियर, इन तीनों को मिला के आपका उसका टोटल करना है. आई विल सेंड यू द फोटो ऑफ इट. मैं भी इसका टोटल करके यहाँ पे फोटो सेंड करूँगी. आप जस्ट चेक करना आपका आंसर राइट आया है या नहीं. नाउ सी नेक्स्ट, एडिशन. यहाँ पे भी सेम है, एडिशन करना है आपको. फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद को ही वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करना है. ओके, कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ. एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, फ्रेम अ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम फॉर 3420 प्लस 2318 एंड देन सॉल्व इट. ये दो नंबर्स आपको दिए होंगे और उस पर आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है, प्रॉब्लम फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन भी आपको खुद को लिखना है. देखो क्या प्रॉब्लम उन्होंने बनाया, द कॉस्ट ऑफ टू स्कूल बैग्स इज 3420. तो इसकी एक कॉस्ट लगाई है उन्होंने, किसकी, स्कूल बैग की. यहाँ पे आप कोई भी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि स्कूल बैग ही लिखना है, कोई भी दूसरी चीज़ ले सकते हो. और उसकी प्राइस उन्होंने क्या दी है, 3420. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ वन डजन स्टोरी बुक इज़ रुपीज़ 2380. तो दूसरी उसने उन्होंने क्या दी है, वन डजन स्टोरी बुक्स, उसकी प्राइस उन्होंने यहाँ पे लगाई है. और उन दोनों को व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, उन दोनों का हमें टोटल कॉस्ट निकालना है. ओके, मतलब दोनों मिला के टोटल कितने पैसे हुए. तो टोटल कॉस्ट सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ टू बुक्स. अभी क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ टू बुक्स, सॉरी टू बैग्स, ये नंबर आपको लिखना है. देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, और फिर बाद में कॉस्ट ऑफ वन डजन स्टोरी बुक्स जो यहाँ पे दिया है उन्होंने दूसरे नंबर के लिए, तो वो आपको ऐड करना है. और उन दोनों को ऐड करके आंसर हमारा क्या आया, 5738. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफोर द टोटल कॉस्ट इज रुपीज़ 5738. टोटल कॉस्ट क्या हुई, 5738. रिमेंबर, टोटल, ऑल टुगेदर, इन ऑल एंड टुगेदर इंडिकेट एडिशन. मींस ये जो हम वर्ड्स बोलते हैं इन सब का मतलब एक ही होता है, वो है ऐड करना. ओके, अभी मैं फर्स्ट आपको करके दिखाऊंगी कैसा करना है. अभी उन्होंने क्या दिया है, 2015 प्लस 1204, ये नंबर्स हमें दिए हैं. अभी हम क्या बोल सकते, कैसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं. देखो जैसे ऊपर लिखा है ना, सेम आप वैसे भी लिख सकते हो. नाउ फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ, इंस्टेड ऑफ टू वी विल राइट फोर बैग्स, कितना है, इज रुपीज 2180.
सॉरी 2015, ओके यहाँ पे डॉट, और द कॉस्ट ऑफ वन डजन, हम स्टोरी बुक के जगह पे हम ड्राइंग बुक लिखेंगे, ड्राइंग बुक्स इज रुपीज 1204, ओके आगे लिखेंगे हम व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ओके क्वेश्चन मार्क, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया है, कॉस्ट ऑफ फोर बैग्स, कॉस्ट ऑफ फोर बैग्स प्लस कॉस्ट ऑफ वन डजन ड्राइंग बुक्स इज इक्वल्स टू रुपीज, ब्रैकेट करना है, क्या नंबर्स दिए हमें 2015 प्लस 1204, इन दोनों का एडिशन करना है और आपको वो नंबर लिखना है। एडिशन करके कितना होगा देखो, आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्या नंबर दिया है उन्होंने 2015 एंड 1204, आपको इसको ऐड करना है, 5 + 4 9, 1 + 0 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, तो आंसर क्या आया 3219, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3219, और लास्ट सेंटेंस आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इज, आंसर द टोटल कॉस्ट इज रुपीज 3219, इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है। सेम आप आगे के भी कर सकते हो, आप कोई भी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, 4 5 3 2 1, बैग्स के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल बॉटल, पेंसिल, एनीथिंग यू वांट, ओके कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो। सेम आपको ड्राइंग बुक्स के जगह पे भी आप कुछ भी ले सकते हो, दूसरे कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो ही लिखना है आपको। नंबर्स भी थोड़ा सा, जो 4 की जगह पे आप 2 ले सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 लिया है 1 dozen, तो उसकी जगह पे आप 4 5 6 कितने भी dozen ले सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको कैसा सेंटेंस बनाना है। सिर्फ हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स का एडिशंस करना है। देखो मैं आपको नेक्स्ट भी करके दिखाऊंगी। द कॉस्ट ऑफ 2 tables इज रुपीज 1230, ओके एंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड नंबर क्या है 4010 ऑफ वन कबर्ड, ओके वन कबर्ड इज रुपीज 4010, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल फाइंड करना है, दोनों मिला के कितने पैसे हुए, तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ओके तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 tables प्लस कॉस्ट ऑफ 1 cupboard इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना है अमाउंट दिया है 1230 प्लस 4010
10। ओके, इसका टोटल आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। अभी इसका टोटल हमें करना है 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 0 0, 4 प्लस 1 5। तो आंसर क्या आया है, 5040। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो टोटल आंसर इज 5040। ओके, इन दोनों का कॉस्ट। ओके, तो हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, देयर फोर द टोटल कॉस्ट इज 5040। ओके, ये आपको ऐसे लिखना है लास्ट लाइन। अभी नेक्स्ट टू आप खुद से सॉल्व करो और मैं भी इस सॉल्व करके आपको इसका फोटो सेंड करूँगी। फर्स्ट आप इसे खुद से सॉल्व करो और देखो आंसर्स क्या आते हैं। ओके, इन दिस वे यू हैव टू डू द फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ओके, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर्स चेंज कर सकते हो, बस आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है इन दिए गए नंबर्स के लिए। ओके, और उसका टोटल करना है। ओके, थैंक यू।